हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बिजली के बिल में कमी ला सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिन पे दिन बिजली की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं और फिर हर आदमी इस बात से परेशान है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बिजली के बिल में कमी आ जाए? अगर हाँ, तो देखते रहिए, वीडियो हमारा इसी बारे में है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक मीटर रखा हुआ है। एक डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर है जो कि एक सब मीटर है। ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसकी सहायता से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी घर में कई सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो उसमें लोड दो प्रकार का होता है, एक रजिस्टिव लोड और एक इंडक्टिव लोड। तो आपको कैसे पहचान करेंगे कि इंडक्टिव लोड क्या है और रजिस्टिव लोड क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्टिव लोड क्या होता है और इंडक्टिव लोड क्या होता है, हम उसे कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रजिस्टिव लोड के बारे में। रजिस्टिव लोड में आता है हमारा, दोस्तों रजिस्टिव लोड में आता है हमारा बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, गीजर हो गया और एलईडी बल्ब हो गया, सब हमारे रजिस्टिव लोड कहलाते हैं। और अब बात करेंगे इंडक्टिव लोड की। इंडक्टिव लोड में हमारे आता है ये हमारा फैन हो गया, मोटर हो गया, किसी भी प्रकार का टिल्लू पंप हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये सारा हमारा इंडक्टिव लोड कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडक्टिव लोड में कमी कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम इसके लिए कैपेसिटर यूज करेंगे। देखिए, कैपेसिटर जो मेरे पास है ये बाजार में आराम से 10 रुपये से लेकर शुरू हो जाता है। बाकी अलग अलग वैल्यू के हिसाब से इसकी अलग अलग कीमत रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। इसमें दो वायर निकले रहते हैं, हमें ये दो वायर किसी भी सॉकेट से कनेक्ट कर देने हैं। यानी कि घर के अंदर हम जो भी अपना लोड चलाएंगे, एसी या कुछ भी इंडक्टिव लोड, तो हम पहले एक कैपेसिटर एक किसी भी सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे घर के अंदर, ताकि इसमें करंट आ जाए। अगर हम न्यूट्रल ऑफिस दोनों इसे दे देंगे तो हमारा पावर फैक्टर में काफ़ी फर्क आ जाएगा। और पावर फैक्टर में फर्क आने से मीटर हमारा लोड कम सेंस करेगा। जब मीटर हमारा लोड कम सेंस करेगा तो सीधी बात है हमारा बिजली का बिल भी काफ़ी कम आएगा। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके देखिए, ये 100% वर्क करेगा और आप अपना लोड चलाएंगे लेकिन बिजली का बिल आपका काफ़ी कम आएगा। दोस्तों, और आपको ये बात भी बता देते हैं कि कैपेसिटर आपको कैसे यूज़ करना है। अलग अलग लोड पर आपको अलग अलग प्रकार का कैपेसिटर यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 किलोवाट तक का लोड यूज़ करना है, तो उसके लिए हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे 2.5 MVA 440 वोल्ट का। और अगर हमें मान लीजिए 1.5 किलोवाट तक का कोई लोड यूज़ करना है, तो उसके लिए हम 3.25 MVA 440 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। और अगर हम मान लीजिए 2 किलोवाट तक का कोई लोड यूज़ करना है, तो उसके लिए हम 4 MVA 440 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। और यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है, हमें घर के अंदर किसी भी सॉकेट में कैपेसिटर लगा देना है। देखिए, दोनों वायर हम इसके आसानी से लगा देंगे किसी भी सॉकेट में, और उसके बाद हम अपना लोड चला लेंगे। और जब हम लोड चलाएंगे तो हमारा मीटर पहले के मुकाबले में थोड़ा कम रीडिंग शो करेगा। यानी कि अगर हम विदाउट कंडेंसर कैपेसिटर चलाते हैं तो फिर मीटर हमारा रीडिंग ज़्यादा शो करेगा, और हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो मीटर हमारा रीडिंग थोड़ा कम शो करेगा। तो दोस्तों, इस ट्रिक को इस्तेमाल करके देखिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि ये ट्रिक कैसा वर्क कर रही है, इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।